2004 मुंबई की गोल्डन चरेट स्टूडियो टी सीरीज कंपनी, मुझे अभी भी याद है। एक अनिस के बाद शुरू में मैं छैला बिहारी जी के साथ मैं बहुत कुछ गाई, बिनय बिहारी जी ने लिखा, बहुत कुछ मैं गाई, नाचे कांवरिया शिव के नगरिया, हे बाघ वाली मैया, ये सब तमाम देवी गीत के से परिचय हुआ एक तरह से मेरे लिए तो स्टूडियो में ही। और उसके बाद एक सोलो प्रोजेक्ट, एक अकेले का मेरा, एक बिनय बिहारी जी ने रचना किया, वो था गौनवा ले जा राजा जी। उस प्रोजेक्ट को तब मैं बहुत अच्छा से बहुत कुछ, शुरुआत में तो बहुत कुछ मैं समझी नहीं, लेकिन एक तरह से आज अगर मैं वापस देखती हूँ उस प्रोजेक्ट को, ऐसा लगता है कि एक तरह से जैसे खिलखिलाती हुई एक नव यौवना युवती जब प्रकृति के साथ बड़ी होती है, उसका पहली सहेली जो है वो तो आईना होती है, जैसे हम लोग ही जब बड़े हुए एक तरह से देखते रहना। तो उस प्रोजेक्ट को मैं सेलिब्रेशन ऑफ फेमिनिटी या सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड की तरह देखती हूँ। उसी के बाद हायरे न थुनिया और उसके बाद प्यार के रोग भेल में एक ऐसा गीत गवाया गया और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे कहा गया कि आज एक ऐसा कुछ गवाने जा रहे हैं जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भलिम जय मिश्रा जी प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, एक फोक फॉर्म है पूर्वी और आज तक ऊंचे सुर में गाना पड़ता है, तो स्त्री भाव को हमेशा पुरुष वर्ग ने ही गाया और हम चाहते हैं कि क्योंकि आपका ऑक्टेव थोड़ा हाई है, हम लोग कोशिश करेंगे। छपरिया पूर्वी मुझे कहा गया और देवरा तुड़ी किल्ली बोल के एक गीत की रचना होती है और सालों बाद आज मुझे पता लगता है कि मैं वो पहली महिला रही या रहूँगी, जहाँ तक रिकॉर्डिंग का सवाल है। गाने के लिए तो बहुत पहले से बहुत लोग, ये तो पूर्वी की ही भूमि है, लेकिन जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है इतिहास के पन्नों में वो दर्ज रहेगा। और मैं अपने आप को अहंकार नहीं है, ये गौरव, एक गौरवान्वित होने का क्षण ज़रूर है कि पूर्वी गायन में एक पहली महिला गायिका के रूप में मैं हमेशा रहूँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज भी एक पूर्वी गाने की। आया, मोतीलाल मंजूल जी ऊपर से आशीर्वाद देते रहे मंजूल जी।